So far as the types of research and educational research is concerned, in other lectures we have already discussed about different types of research. Here we shall categorize the types of research in three parts, you can say, way you can say. The first one is the fundamental. और इसको वर्सेस कर दें अपोजिट टू इट द एक्शन एंड दिस एक्शन रिसर्च इज द मेजर कंसर्न ऑफ टुडेज लेक्चर फॉलोड बाय क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव एंड व्हाट्स एवर यू कैन से क्वांटिटेटिव. So, the major type of research is fundamental and action research, qualitative and quantitative research. Fundamental, as we have already explained, and in the last part we shall be differentiating between the fundamental and applied, yeah, action. It is also being called as applied. The qualitative and quantitative have already been discussed when we were discussing the positivist and non-positivist paradigm. और बताया था कि qualitative research जो है वो बाद में humanistic approach या interpretivist approach या paradigm जो है उससे governed होता है, whereas the quantitative research is being governed by the positivist paradigm. तो सो फार एज दिस क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम. एक चीज याद रखिए. और जब हम इसके फर्दर टाइप्स की बात करें तो मेनली सबसे जो इसका मेथड है इस पैराडाइम से गवर्न, या जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं, उसके अंदर में एक्सपेरिमेंटल, क्वेजी एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल. एक्सपेरिमेंटल कल हम लोगों ने चर्चा की ही, जो जिसमें डिजाइन वगैरह का कंसेप्ट है, और फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप का कंसेप्ट है. और दूसरे लेक्चर में जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि डिफरेंट मेथड्स पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो आज उस पर बहुत डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ कैटेगराइज करेंगे. और जब हम एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी ढील दे देते हैं, वो भी आपको दूसरे लेक्चर में मिल जाएगा, तो उसी को क्वेजी एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंटल एंड क्वेजी एक्सपेरिमेंटल आर रिलेटेड और कोरिलेशनल रिलेशनशिप टू सी द रिलेशनशिप. मेजर यही तीन है. और जब हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के साथ सर्वे रिसर्च को भी ले जाते हैं, तो उसको भी लोग ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च की श्रेणी में डालते हैं. जब पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो मेथड तो सर्वे रहेगा. वैसे सर्वे मेथड हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट माना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में जहां हम लोग ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लोग मानते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी पार्ट है. तो इस तरह से हम लोग कहें कि यदि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, एंड सो फार इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च इज कंसर्न, विच इज वेरी मच in the category of quantitative research, that is experimental, quasi-experimental and correlational. So far as qualitative research is concerned, of course, it is Western humanistic paradigm. Yeah, जिसको हम लोगों ने interpretivist paradigm और फिर कई नाम दिया, anti-positivist or positivist like that. So, it is this qualitative research is based on humanistic paradigm, and of course, so इसमें एक descriptive और descriptive
रिसर्च का जो एक टाइप है विच इज द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें सर्वे, केस स्टडी, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस एंड डेवलपमेंटल सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा, फॉलोड बाय। सो डिस्क्रिप्टिव मतलब यदि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स की बात करें तो इट इज डिस्क्रिप्टिव, और इसमें हमने कई नाम गिनाए, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, इथनोग्राफिक, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड बायोग्राफिकल स्टडी। ये सब भी हम दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ फिर इसको एक्सप्लेन करने का मतलब है रिपीटेशन, सो इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अदर लेक्चर्स, वेस्ट ऑन रिसर्च यू कैन गो थ्रू दैट। लेकिन हमने ये किया कि फंडामेंटल एक्शन, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस भी करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम या इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, बेस्ड ऑन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, दैट इज क्वांटिटेटिव। और इसमें तीन नाम गिनाया, और इसमें हमने कई नाम गिनाए, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, इथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, बायोग्राफिकल एंड देर मे बी फ्यू मोर। सो फार एज द अदर टाइप इज कंसर्न विच इज नॉट बींग यूज मोर, बट टेक्निकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। मतलब यहां हम यदि कैटेगराइज करें तो वॉट इज द बेसिस, ऑब्जेक्टिव के आधार पर यदि हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव के आधार पर यदि हम रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं तो इसमें आ जाता है यही दोनों, फंडामेंटल या एक्शन, या जिसको इसको बेसिक भी कहते हैं, इस फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक टाइप भी कहते हैं। सो बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, और इसका पर्पस क्या होता है, टू ऐड इन द फंड ऑफ नॉलेज। तो ये यहां भी हो गया ये, और दूसरा अप्लाइड और एक्शन रिसर्च टू सोल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब यह कि यदि हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के आधार पे रिसर्च को कैटेगराइज करते हैं, देन वी कैन कैटेगराइज इट एज बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, जिसका पर्पस फंड के नॉलेज में कुछ ऐड करना है, या एक्शन और अप्लाइड रिसर्च, जिसका पर्पस क्या है कि इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, जिसका कल भी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि किसी टीचर की कोई समस्या है मैथ्स पढ़ाने में, वर्ड प्रॉब्लम, वो आगे आएगा भी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च देर आर टू टाइप्स, दैट इज बेसिक और फंडामेंटल एंड अप्लाइड एंड एक्शन। सो फार एज अप्रोच ऑफ रिसर्च इज कंसर्न, अप्रोच, सो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच देर आर टू टाइप्स। नंबर वन लॉन्गिट्यूडिनल, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, लॉन्गिट्यूडिनल, और ऑब्वियस है क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल। सो क्रॉस सेक्शनल, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल नाम से ही लग रहा होगा कि इन डेप्थ स्टडी, यू विल गो इन वेरी डीप। मतलब एक तरह से यदि हम समझने के लिए कहे तो यूनिडायमेंशनल यू कैन से, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में वहां से यदि हम टाइप ले जो हम लोगों ने पहले अभी किया है तो उसमें हिस्टोरिकल और केस स्टडी ये लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल में एक्सपेरिमेंटल और सर्वे आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे, क्रॉस सेक्शनल। सो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, longitudinal and cross sectional. So far as precision in research findings is concerned, precision in research finding is concerned, there are two types of research, experimental and non experimental. मतलब जो experimental है, experimental है, उसके अलावा जो भी है सब non experimental है। यदि हम चौथी category की बात करें, on the basis of nature of findings, तो हमारे पास एक explanatory, शुरू में हमने nature में भी देखा था, objectives of research में
एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन्स मोर कंसर्न थ्योरीज लॉज एंड प्रिंसिपल्स। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने पहला कैटेगोरी लिया था क्वालिटेटिव रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव मोर कंसर्न विथ फैक्ट्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फाइंडिंग्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। ये भी हो गया हमारा। इफ वी मूव फर्दर, एक नेशनल साइंस कांग्रेस ने, रिपीटेशन होगा, ओवरलैपिंग भी होगी टाइप्स में, लेकिन ये किसके अनुसार कैसे है दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन, यहां मैं लिख देता हूं नेशनल साइंस फाउंडेशन। सो नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, नो नीड टू डिस्कस, अप्लाइड एंड और एक्शन रिसर्च, नो नीड टू डेवलप, एंड डेवलपमेंटल यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल डिवाइसेज सिस्टम्स मेथड्स एक्सेट्रा। सो दिस इज डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार क्या है, एक तो बेसिक, दूसरा आपका एक्शन या अप्लाई, और तीसरा डेवलपमेंट, ये तीन टाइप का। शुरू का दो हम समझ चुके हैं, तीसरे के बारे में हमने कहा यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, पहला क्या है फंड ऑफ नॉलेज में, थ्योरी बनाने में आदि आदि में। दूसरा डे टू डे की फंक्शनिंग जो इंस्टीट्यूशन वगैरह के लेवल पे है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तीसरा डेवलपमेंटल यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स, कुछ बनाने के लिए डिवाइसेज सिस्टम मेथड्स एक्सेट्रा। सो यू कैन अंडरस्टैंड देर आर अदर क्लासिफिकेशन एज वेल, उसको जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अब उसको कैटेगराइज नहीं, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात हम लोग करते हैं, उसमें कौन कौन है। तो एक है एडहॉक रिसर्च, ये थोड़ा सा साफ करें, ब्लैक से ही लिखना ठीक रहे। तो एक तो एडहॉक रिसर्च, अदर टाइप्स में एड हॉक, एच ओ सी के एडहॉक रिसर्च। एडहॉक रिसर्च क्या है, इट इज द क्लास ऑफ इंक्वायरी यूज्ड फॉर ए पर्पस एलोन एंड स्पेशल, तो किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास परिस्थिति के लिए। इंपीरिकल रिसर्च, इट इज दैट इंपीरिकल शब्द बहुत आएगा आपके रिसर्च में, इंपीरिकल। सो इंपीरिकल इट इज दैट विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना एंड इवेंट्स, मतलब जिस चीज को देख सकते हैं, और ये ऑलवेज डाटा बेस्ड हो। एक्सप्लेन्ड रिसर्च, ऑब्वियस है नाम से भी आपको कुछ पता चलेगा, अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी की बात भी की थी। एक्सप्लेन्ड रिसर्च इट इज दैट विच इज बेस्ड ऑन ए थ्योरी, which is based on a theory, and broader line research, it is broader line. Broader line research, it is that which involves those main two branches or are as of science. For example, a study of public school finance. मतलब उसी से जो निकला है कुछ, जो नई नई चीजें जो डेवलप हुई उससे रिलेटेड है। और एग्जांपल आप याद रखिए, पब्लिक स्कूल फिनेंस की स्टडी यदि हम करते हैं तो बॉर्डर लाइन रिसर्च में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से तो फंडामेंटल, एक्शन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके और सारे टाइप्स हैं, और उसके अलावा कई और तरह के टाइप्स की हमने बात की, जिसमें एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें और भी कई है, और फिर अंत में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स हमने और ये कहा कि एडहॉक रिसर्च, इंपीरिकल रिसर्च, एक्सप्लेन्ड रिसर्च एंड बॉर्डर लाइन रिसर्च। सो फॉर द इम्पोर्टेंस इज कंसर्न दिस कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ए फॉलोड बी एंड ए. एट द एंड वी कैन से दैट आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. शुरू में आपने देखा होगा कि हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी. आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट टू आर टू कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ न्यू थ्योरी एंड फैक्ट्स. द थर्ड सजेस्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. नंबर वन फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च एंड एक्शन और अप्लाइड रिसर्च. सो कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स वी कैन से एज पर द फर्स्ट टू ऑब्जेक्टिव दिस इज फंडामेंटल रिसर्च जो जिसका पर्पस है फंड के नॉलेज में या नया प्रॉब्लम मतलब नया इम्प्लीकेशन करने का. और एक है कि डे टू डे के प्रॉब्लम को सोल्व करने से रिलेटेड है तो वो आपका आ जाएगा बेसिक रिसर्च में. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द थ्री ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑफ रिसर्च वी कैन से देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च. नंबर वन फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च एंड नंबर टू एक्शन और अप्लाइड रिसर्च. सो वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड रिसर्च बट दिस कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ए और बी. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च. थैंक यू वेरी मच.